हेलो गाइस, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मारुति सुजुकी अल्टो 2022 का मॉडल। मारुति सुजुकी अपनी तीन कारों जो कि एक अल्टो, स्विफ्ट और ब्रेजा के अपडेटेड वर्जन को करने की जो कि जून में लॉन्च करने वाली है। वहीं ऑल न्यू अल्टो इस साल के आखिर में लॉन्च हो सकती है। दूसरी तरफ नेक्स्ट जनरेशन स्विफ्ट आपके अगले साल को सड़कों पर दिखेंगी। और 2022 मारुति अल्टो को टेस्टिंग के दौरान देखा भी गया है। रिपोर्ट के मुताबिक अल्टो की डिज़ाइन के बारे में पता चला है कि यह हल्की, लंबी और ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस के साथ आएगी। डिज़ाइन की बात करें यहाँ पे तो गाइस, टेस्टिंग के दौरान देखा गया कि हैचबैक का नया मौजूदा मॉडल वेरिएंट की तुलना में काफ़ी लंबा और ऊंचा भी दिखाई दे रहा है। यह बॉक्स स्टार को बरकरार रखेगा। वहीं फ्लैटर रूफ लाइन इसे क्रॉसओवर लुक देता है। नई मारुति अल्टो 2022 में हनीकॉम मेश पैटर्न के साथ नई ग्रिल, बड़े स्वेप्ट बैंक हेडलैम्प, नई सी आकार के फॉग लैम्प असेंबली के साथ नया बम्पर और एक्लैप्टेड पेमेंट बम्पर की सुविधा भी है। बात करें इसके रियर सेक्शन की तो फ्रंट की तरह रियर सेक्शन में भी कुछ नए डिज़ाइन दिए हैं। बम्पर और नए टेलगेट सहित महत्वपूर्ण बदलाव है। सुजुकी के नए हॉट टेक प्लेटफॉर्म के रूप में ज़्यादा अपडेटेड पेश किया जा सकते हैं। नई अल्टो मौजूदा अल्टो से ज़्यादा हल्की है। अगर फीचर्स की बात करें तो नई कार के कैबिन में कई नए फीचर्स दिखाई देंगे। नया डैशबोर्ड सेंट्रल कंसोल के साथ आएगी। ऑटोमेकर हैचबैक को टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम से लैस है। सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन और कीलेस एंट्री भी मिल सकती है। तो ये कुछ जानकारी है जो कि मारुति सुजुकी अल्टो 2022 के मॉडल के लिए है, जो कि कब लॉन्च होने वाला है, जो कि जून में। और क्या कुछ फीचर्स है वो तो मैंने बता दिए है मोटे मोटे, बाकी जब लॉन्च होगी तभी आपको बता सकते हैं। तो बस गाइस, इतना ही आज की वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब आप कर सकते हो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।